दोस्तों मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और बहुत ही अच्छा एक न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो अभी अभी जो है देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि हमारे जो देश के यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 200 या टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ पा रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे कुछ यूनिवर्सिटी का अब सिलेक्शन होगा जिसमें से 20 यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से 10 यूनिवर्सिटी जो है जो प्राइवेट सेक्शन से होंगे और 10 यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक होंगे, दैट मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगे। और उनको एक बहुत ही बड़ा फंड दिया जाएगा और वो छोटा मोटा फंड नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए का फंड है जो उन दोनों दो तरह की यूनिवर्सिटियों को दिए जाएंगे। और टोटल ऐसे 20 यूनिवर्सिटी होंगे जिनको ये फंड दिया जाएगा और इनको कोशिश किया जाएगा कि ये हमारे टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हो और ये टॉप 100 में आ सके, टॉप 50 में आ सके या टॉप 200 में आ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कि ये चीज फील होता है इंडियंस के लिए कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई है, लोग इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं, लोग इतने नॉलेजेबल हैं जो भारत में और भारत से बाहर भी जाके अपने नॉलेज को फैलाते हैं। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण आप देखिएगा कि बहुत सारे टॉप कंपनी जो उनके सीईओ आज भी इंडियंस हैं। तो ये चीजें होते हुए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात जब आती है तो हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे जो कॉलेजेज वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी परफॉर्म कर पाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है न्यूज अभी निकल के आया है, ये बहुत ही अच्छा एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि टोटल 20 यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन होगा, 10 प्राइवेट से और 10 पब्लिक से, और उनको 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड दिया जाएगा जिससे कि वो जो है अपने स्कूल या सॉरी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जो है इम्प्रूव कर पाए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि ये जो ऐलान है वो कहां तक जाता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन होने में अगला 5 से 10 साल लगेगा। तो चलिए एक हो सकता है कि हमारे लिए एक आगे के लिए हमारे बच्चों के लिए या हमारे जो है और यंग बच्चे हैं जो अब आगे 10 साल में कुछ करने वाले हैं तो उनको लिए एक कम से कम तोहफा हो सकता है कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल सकता है। और जो इन जो 20 यूनिवर्सिटियों का सिलेक्शन होगा ये बिल्कुल जो है अनबायस्ड होगा और इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी का रोल होगा, इसमें कोई गवर्नमेंट की रोल होगी या कोई जो है किसी के जान पहचान से ये यूनिवर्सिटी बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रखी जाएगी और उसमें यूनिवर्सिटी को अपनी बातों को कहना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम ये काम कर सकते हैं, इस तरीके से हम इन चीजों को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी को ये प्रूफ करना पड़ेगा उन यूनिवर्सिटीज को, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे काम कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल या किसी चीज के कारण वो उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे, ये जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। और इसके लिए प्रॉपर जो है रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, चीजें बनेंगी और वहां पर चीजों को रखना पड़ेगा और तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी के जान पहचान से सिलेक्शन हो जाए, या प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि ये भी नहीं कि हमारे बोलने से कोई सिलेक्शन हो जाए, ऐसी नहीं कोई बात है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। पर देखते हैं कि ये चीजें कितने जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए ये हमारे लिए गुड न्यूज है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।